नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोगों को इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत से लोग इस वीडियो को YouTube पर एक तरीके से खोजते रहते हैं कि कब से हमारे वो स्मार्टफोन हैं जो मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैं आज कन्फर्मेशन देने आ गया हूँ कि आपके जो स्मार्टफोन हैं वो कब से मिलेंगे, जो कि मुख्यमंत्री ने 2021-22 वाले बजट में इस बार पेश किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के बजट के अंदर अब की बार पेश किया है कि वो सभी चिरंजीवी महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देंगे और साथ में 3 साल के लिए एक तरीके से इंटरनेट डेटा और कॉलिंग भी फ्री देंगे। तो चलते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ। तो ये जो न्यूज़ है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूज़ जो कि भास्कर ब्रेकिंग के अंदर आई है, ठीक है। और स्मार्ट शक्ति इस योजना का नाम है, ठीक है। स्मार्ट शक्ति योजना के अंतर्गत ही महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, जिसके अंदर 3 साल तक हर महीने 5 से 10 GB डेटा फ्री होगा। यह डेटा आप लोगों का जो टेंडर पास होने के बाद में है वो बढ़ाया भी जा सकता है, घटेगा नहीं, ये कन्फर्म है। और 3 साल तक आपकी बिल्कुल कॉलिंग भी फ्री रहेगी। तो ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, 1.33 करोड़ महिलाओं को ये जो सरकार है वो इंटरनेट पैक देगी और स्मार्टफोन देना कंपनी के जिम्मे होगा। यानी कि जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं, तो 2 स्मार्टफोन कंपनियां ऐसी हैं जो कि गहलोत के इस मैं स्मार्टफोन देने के वादे पर उनके टेंडर को लेने के लिए तैयार बैठी हैं कि टेंडर हमें दो, हम स्मार्टफोन आपको मुफ्त में देंगे, बस केवल आपको हम लोगों का इंटरनेट पैक की जो एक तरीके से कीमत है वो आप लोगों को और हमारी जो कॉलिंग की कीमत है वो आप लोगों को हमें देना है, बस स्मार्टफोन हम हमारी तरफ से मुफ्त में देंगे। तो ये 2 कंपनियाँ इसके लिए टेंडर लेने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं कि ये लैपटॉप का नाम हो गया, ये जो एक तरीके से स्मार्टफोन है वो जून से मिलने आप लोगों को महिलाओं को, ये मोबाइल फ़ोन है जो स्मार्टफोन है वो जून से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और 3 साल के लिए हर माह 5 से 10 GB डेटा भी इसमें फ्री मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो 5 से 10 GB डेटा है वो टेंडर पास होने के बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि दोनों जो कंपनियां हैं जो कि स्मार्टफोन बनाने का टेंडर ले रही हैं वो 2 कंपनियां हैं, तो उनके अंदर दोनों में एक तरीके से टेंडर लेने के लिए होड़ मचेगी। तो वो एक तरीके से ये जो डाटा है वो एक्सटेंड करेंगे कि मैं इतना डाटा दूंगी, तो दोनों कंपनियां जो अधिक डाटा देगी गहलोत सरकार उसी को इसका ठेका देने वाली है। तो चलते हैं न्यूज की तरफ। राजस्थान सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करते हुए चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो चिरंजीवी परिवार है, ये आप लोगों को बता दूं कि चिरंजीवी परिवार का अर्थ एक तरीके से है कि जिन परिवारों को मुफ्त में यानी कि 2 रुपए किलो जो अनाज मिल रहा है, वो अनाज जिन भी परिवारों को मिलता है उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन सभी परिवार की महिलाओं को ये जो स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब तक 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को जून से ही मोबाइल देने की तैयारी है जो शुरू हो गई है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी व जनसंचार विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसी हफ्ते टेंडर भी निकाला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जो टेंडर है वो भी इसी हफ्ते इसका है पास किया जाना है, तो इसी हफ्ते आपका टेंडर भी आ जाएगा, तो आप लोगों को जून में ही मोबाइल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत खुशी वाली बात है। स्मार्टफोन के साथ में 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और फ्री कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इंटरनेट है जो हर महीने 5 से 10 GB आप लोगों को मिलेगा और ये टेंडर पास होने के बाद में बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो एक तरीके से टेंडर फाइनल होने के बाद में आपका डाटा है वो बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। तो बढ़ाया ही जाएगा क्योंकि 2 कंपनियां इसके लिए तैयार बैठी है टेंडर लेने के लिए, तो जो कंपनी ज़्यादा डाटा देगी गहलोत सरकार उसी को इसका ठेका देने वाली है। अब सस्ते स्मार्टफोन से खुलेंगे तकनीक के द्वार। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक तरीके से
स्मार्टफोन वाली योजना है, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। और ये ओनली 2500 करोड़ रुपए ओनली डाटा, और एक तरीके से जो कंपनी हमें 5 से 10 GB डाटा देगी और जो कॉलिंग फ्री देगी उसी की ये कीमत है, स्मार्टफोन है जो कंपनी ये टेंडर ले रही है वो खुद की तरफ से बिल्कुल मुफ्त देने वाली है। अब इस स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर हम लोगों को मिलने वाले हैं वो फीचर आप लोग इसमें देख सकते हो। तो फीचर हैं, मेक इन इंडिया स्मार्टफोन होंगे, यानी कि जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में ही बने हुए होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी स्मार्टफोन बनेंगे वो इंडिया में ही बनेंगे। 5.5 इंच की डिस्प्ले होगी। अब आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि डिस्प्ले कैसे मापते हैं, तो डिस्प्ले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे हमेशा आड़ी नापी जाती है, यानी कि इस कोने से इस कोने तक या इस कोने तक इस प्रकार से डिस्प्ले मापी जाती है, यानी कि 5.5 इंच की इस प्रकार से डिस्प्ले होने वाली है। ठीक है, और फोन में कम से कम 5.5 इंच की डिस्प्ले ये बना आप लोगों को बता दिया। फोन में कम से कम क्वाड कोर 1.2 से 1.6 GHz प्रोसेसर होने वाला है, नंबर दो ये इसमें हो गया। और नंबर तीन, इसमें 2 GB रैम और 32 GB आप लोगों की मेमोरी होने वाली है, 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी, 3200 mAh की बैटरी होगी, ड्यूअल इसमें सिम कार्ड यानी कि दो सिम कार्ड डलेंगे, और कम से कम 8 MP का इसमें कैमरा होने वाला है। ये कम से कम है, दो कंपनियां ठेका लेने के लिए तैयार बैठी है, तो इसमें जो ये 8 MP है ये एक तरीके से बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। ठीक है, और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की एप्लीकेशन इसमें पहले से इंस्टॉल होंगी, यानी कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो भी ऐप से उनसे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो ऐप इसमें पहले से ही इंस्टॉल होंगे। ठीक है, इसके माध्यम से महिलाएं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगी और उनसे जुड़ सकेंगी। ठीक है, पिछली सरकार ने एक तरीके से आप लोगों को बता दूं कि पिछली सरकार ने है तो 40 लाख कीपैड वाले फ़ोन दिए थे, यानी कि जो जियो वाले फ़ोन दिए गए थे पिछली बार, वो 40 लाख कीपैड वाले फ़ोन दिए गए थे। अब गहलोत सरकार है वो स्मार्टफोन मूव कर रही है, यानी कि लॉन्च कर रही है, तो ऐसी टेलीकॉम कंपनियों को काम देने की तैयारी है जिन्हें सरकार सिर्फ इंटरनेट पैक का ही पैसा देगी, स्मार्टफोन कंपनी खुद देगी, यानी कि गवर्नमेंट है जो केवल हमारे डाटा का ही एक तरीके से कंपनी को पैसा देगी, स्मार्टफोन है जो कंपनी बिल्कुल फ्री खुद की तरफ से देगी। और दो कंपनियां इसके लिए तैयार भी हैं, दो कंपनियां तो फिलहाल तैयार हैं, और आगे जब टेंडर पास होगा तो और भी कंपनियां तैयार हो सकती हैं। बता दें कि पिछली सरकार ने भी करीब 40 लाख से ज़्यादा लोगों को मोबाइल फ़ोन बांटे थे, वो कीपैड फ़ोन थे। यह आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार जियो के फ़ोन बांटे गए थे। ठीक है, इस बार जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे यानी कि टच स्क्रीन वाले फ़ोन इस बार दिए जाने हैं। ठीक है, बजट घोषणा के अनुसार महिला मुखिया को स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसके अंदर एक तरीके से जो संदेश नायक हैं कमिश्नर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के, उनके द्वारा बताया गया है कि बजट घोषणा के अनुसार जो महिला मुखिया है उनको स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि हर राशन कार्ड में जो महिला मुखिया है केवल उसी को मोबाइल मिलेगा, यानी कि अगर एक राशन कार्ड में 3 से 4 महिलाओं के नाम हैं तो उनमें केवल महिला मुखिया को ही ये जो स्मार्टफोन है वो दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो पर अंत तक देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देवे। थैंक यू, धन्यवाद।